आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है, देखो पहले बात तो आपने ये गलत बोला है, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है जी। यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोलिए तब मैं प्रतिक्रिया देती, तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है। ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव बाते रहते हैं। अभी जहाँ तक बीएसपी का अपना बेस वोट है वो तस से मस इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन में कभी कभी जो दूसरा तबका है, खासतौर से जैसे ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, तो चुनाव में इस किस्म के कुछ ये लोग वायदे कर देते हैं कि ये लोग गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ, रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर, तो जिस एरिया में ज्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है, और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिए के मशीनें निकली तो वो वोट कहीं और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं, तो हो सकता है कुछ ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी की आशंका तो है। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं, और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए, बैलेट पेपर से चुनाव मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें, कि जब से बीएसपी बनी है, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे, तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है, और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर, तो मशीन के जरिए जब से हुआ है, तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ, तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग, इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए, मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं। तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को तैयार करें, आज नहीं तो कल। ये जो जहां से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहां मशीन से शुरू हुआ, तो जब लगा इसमें धांधली हो रही, तो वहां खत्म कर दिया, बैलेट पेपर से वहां चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं, तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं, तब से ये गड़बड़ हुआ है, जरूर कुछ दाल में काला है। और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए, ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है,
बोलते चार पांच पर्ची निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां, उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा, फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है ये। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। और पूछो। नहीं, हम तो जो कर सकते थे, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने माननीय चुनाव आयुक्त को भी कहा, आज फिर हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए, क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आते हैं? देखो, पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनु स्मृति चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, एक तो आपको ये करेक्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है, मुझे नहीं मालूम। जी, यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोली है तब मैं प्रतिक्रिया देती। तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है, तो किसका रेफरेंस उन्होंने दिया और मैंने सुना नहीं है। और जब तक वो किसी किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा। मैं जो आपको बता रही हूँ पसमांदे के बारे में, पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ किस प्रकार की जाति हो रही है, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहां तक पसमांदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले पसमांदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुल्म जाति हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे, तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। परिवार, जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है? आपको ये मालूम है जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे कर देते हैं उनको लेते नहीं है हम। और अब दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है, तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे तो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। बीएसपी की जो विचारधारा है तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़े हैं। धन्यवाद।